स्टूडेंट्स हुआ डेफ अब डेफ का वर्ड जैसे सामने हमारे आता है तो हमें लगता है हेयरिंग लॉस सो हेयरिंग लॉस जो है इसको uh, सबको हम डेफ नहीं कह सकते हम uh, जो है माइल्ड लेवल पर जब कोई डेफनेस आती है तो हम उसको कहते हैं कि ही हैज़ पुअर यू नो हेयरिंग कैपेसिटी सो ही वी शुड जस्ट स्पीक लाउड और स्पीक लाउड करके हम जो है इस डेफिशंसी uh, को या पेशेंट को हम बैलेंस uh, कर लेते हैं लेकिन जहाँ पे हयरिंग लॉस जो है वो स्पीक uh, लाउड से जो थोड़ा आगे वाले लेवल पे चला जाता है जिसको हम मॉडरेट कहते हैं तो वहाँ पे भी लोग जो हैं बजाय ये कि हेरिंग एड यूज़ करें बहुत सारे हमारे जो कंट्री का कल्चर है उसमें लोग पसंद नहीं करते हेरिंग एड्स को अपने साथ रखना उस उन एक तो उनको उस हेरिंग एड को हैंडल करना उनके लिए मुश्किल होता है और दूसरे नंबर पर वो अपने आप को लोगों के सामने डेफ Uh, साबित नहीं करना चाहते साइकोलॉजिकली तो ये दो इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से जो सवियर uh, हेयरिंग है लॉ हेयरिंग लॉस है वो काफ़ी मुश्किल के साथ एडजस्ट होता है अब इसमें uh, जैसे जी टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस मैं बता रही हूँ आपको इसमें एक नर्व रिलेटेड है इसमें एक कंडक्टिव है आउटर ऑफ मिडल एयर है और एक मिक्सड हेयरिंग लॉस है मिक्सचर ऑफ बोथ टाइप्स तो इसमें ये जो uh, हम दो तीन किस्म की इसकी टाइप्स uh, uh, बता रहे हैं तो यानी कुछ हेयरिंग लॉस ऐसे हैं जिसमें आपका नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व है और नर्वस सिस्टम जो है वो उसको रेगुलेट कर रहा होता है तो उसमें जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है सिर्फ ऊंचा बोलने से आपका मसला हल नहीं होता एक है जो आउटर मिडल ईयर को जिसने सिर्फ अफेक्ट किया है तो उसमें ज़रा आप थोड़ा सा लाउड बोलते हैं या इस तरह से आ, किसी भी चीज़ को आप कवर कर सकते हैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट के साथ इसी तरह से बाज़का तो ऐसा होता है कि मिडल ईयर भी डिस्टर्ब हुआ होता है और उसका नर्वस सिस्टम जो है नर्व रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो भी उसके साथ मिक्स हो जाता है जिससे फिर कंडीशन जो है यो थोड़ी सी जो है वो क्रिटिकल हो जाती है उसमें हेयरिंग एड जो है वो बेस्ट ऑप्शन है तो हेयरिंग एड जो है हमें कल्चर में जैसे हम स्टिक कहें अपने ओल्ड पीपल को कि आप स्टिक पकड़ लें तो वो भी उसको पकड़ने में जो है उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है हमेशा हमने यूरोप में देखा है डिवेलप कंट्रीज़ में कि वहाँ ज़रा सा इशू आने लगता है चलने में आ, लोगों को तो सबसे पहले वो स्टिक पकड़ते हैं कि अपनी सेहत को नुकसान ना पहुँचाएँ हमारा कोई बॉडी ऑर्गन टांग वगैरह बाजू वो ना गिर के टूट जाए लेकिन हम जो हैं हम अपने आप को बूढ़ा साबित नहीं करना चाहते थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फैक्टर है और हम बड़ी मुश्किल से स्टिक जो है वो जाके भी पकड़ते हैं इसी तरह से हेरिंग एड है और हेयरिंग एड के लिए भी बड़ी लोगों को काउंसल करने की ज़रूरत है कि आपकी जब इस किस्म की प्रॉब्लम आती है तो लोग ऊंचा बोलना नहीं चाहते लोग आपके साथ फिर कम्युनिकेट करना छोड़ देते हैं कि कौन इतना ऊंचा बोले जो इनको बात को समझाए ये हमारे कुछ थोड़े से कल्चरल फैक्टर्स हैं तो इसलिए बजाय ये कि आप लोगों को डिस्टर्ब करें और ख़ुद को भी डिस्टर्ब करें आपको सबसे पहले जो है वो हेयरिंग एड यूज़ करनी चाहिए इट डिपेंड्स ऑन द सवेरिटी ऑफ द प्रॉब्लम उसके बाद साइन लैंग्वेज बड़ी बेहतरीन है जो कम्प्लीट सुन नहीं सकते उनके लिए चूँकि वो बोल भी नहीं सकते उन्होंने ज़ुबान सुनी ही नहीं अगर वो 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 बाई बर्थ जो है उनका हेयरिंग लॉस है तो फिर उनके लिए साइन लैंग्वेज जो है वो बेस्ट ऑप्शन है साइन लैंग्वेज के साथ हम उनको बात समझा सकते हैं आपने अक्सर देखा होगा टी वी में यूं यूँ करके वो आपको बता रहे होते हैं और वो उनको साइन लैंग्वेज चूंकि उन्होंने अंडरस्टैंड की होती है उससे भी उनको चीज़ों को रेगुलेट करने में बड़ी हेल्प मिलती है और असलान प्रेटर्स एंड लाइव रिमोट कैप्शनिंग ये दो टेक्निक्स हैं जिसमें साइन लैंग्वेज के साथ साइन बैंक या साइन लैंग्वेज यूज़ की जाती है और ईच लर्नर विद द हेयरिंग लॉस शुड बी असस्ड इंडिविजुअली एंड एकामोडेशन शुड बी implemented based on the unique needs of each student yes i told you earlier that every student has different extent of the hearing loss so whatever the hearing loss whatever the extent of hearing loss then instructor must plan according to the uh, deficiency that uh, will help the student or any person uh, accordingly and uh, uh, my advice for the for those people who are facing this problem that uh, you should Assess your hearing loss extent and uh, immediately you should use hearing aid to accommodate yourself and to accommodate others.